Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the topic Understanding Diversity in Unit 1 Diversity from the book Social and Political Life Part 1 Grade 6 CBSE. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? अपनी क्लासरूम के चारों तरफ देखो, क्या तुम्हें कोई अपने आसपास ऐसा नजर आता है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसा हो? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग एक दूसरे से कई बातों में भिन्न होते हैं, कई तरीकों में भिन्न होते हैं. Not only do they look different, but they might also belong to regional, cultural or religious backgrounds. जो लोग हमारे आसपास हैं, वो खाली देखने में ही हमसे अलग नहीं हैं, बल्कि वो उनका कल्चर, उनका जहां को वो belong करते हैं, या उनका जो religious background है, वो भी हमसे बिल्कुल फर्क होता है. These differences enrich our lives in many ways. And also make them more fun. इन्हीं जो अंतर हैं या differences हैं, इसी की वजह से हमारी जो ज़िंदगी हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और हमें नई-नई चीज़ों के बारे में पता चलता है. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. अब ये जो अलग-अलग लोग हैं, जो कि different-different background से आए हैं, different religion को, different culture को belong करते हैं, यही सब एक साथ रहने की वजह से India में इसको बहुत interesting और एक अलग ही diverse कर देते हैं, मतलब बिल्कुल अलग रखते हैं. What does diversity add to our lives? अब डाइवर्सिटी का हमारी जिंदगियों पे क्या असर होता है? How did India become like this? इंडिया ऐसे कैसे हो गई कि यहाँ इतने अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं? Are all kind of difference a part of diversity? क्या ये जितने भी अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग-अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, क्या ये भी एक डाइवर्सिटी का हिस्सा है? Can diversity also be a part of unity? और ये जो अलग-अलग होना है, क्या यही एक कारण है कि हम सब इंडिया में एक साथ रहते हैं? Read this chapter to find some answers. अब हम इस चैप्टर को पढ़कर अपने इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे. Three children around your age have drawn the figures above. अब तीन बच्चों ने, जो कि तुम्हारी एज के बराबर हैं, उन्होंने तीन इमेजेस बनाई हैं या तीन फिगर्स बनाई हैं. यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर. अब तुम भी एक खाली डिब्बा लो और उस पर एक ह्यूमन फिगर बनाने की कोशिश करो. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? उसके बाद देखो कि क्या तुमने जो ड्राइंग बनाई है और जो बाकी ड्राइंग्स हैं, क्या वो आपस में मैच करती हैं? The chances are that your drawing is quite different from the other three. पूरे चांसेस हैं कि तुम्हारी ड्राइंग जो है, वो बाकी तीन ड्राइंग से बिल्कुल अलग होगी. Which you can see are quite different from each other. जैसा कि तुम देख ही रहे हो, अभी भी तीन बच्चों ने जो एक ही सी फिगर बनाई है ह्यूमंस की, सबकी अलग-अलग बनी है. This is because each one of us has a unique drawing style. इसका कारण क्या है कि हम सब का अपना एक यूनिक तरीका होता है चीजों को ड्रॉ करने का. We not only look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak. अभी हम खाली एक दूसरे से वैसे ही अलग नहीं दिखते, बल्कि हम जो भाषा बोलते हैं, वो भी अलग होती है. Our cultural background, हमारे cultural background अलग होते हैं,
the religious rituals we observe and of course the way we draw. या जो भी हम religious rituals को follow करते हैं या observe करते हैं वो फर्क होते हैं औरों से. या फिर सबसे पहले देख लो कि हमने जो draw किया वो भी हमारा तरीका दूसरों से अलग है. Fill out the following information about yourself. अब अपने बारे में कुछ information लिखो. When I go out, I like wearing. जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है. At home, I speak in. घर में जब होता हूँ तो मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ. My favorite sport is. मुझे सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट पसंद है. I like reading books about. या मैं सबसे ज्यादा कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ. Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. इसके बाद अपने टीचर की हेल्प से ये देखो कि किसने लोगों ने जैसा तुमने आंसर लिखा है उससे मैच कर रहे हैं. Is there anyone whose list matches yours exactly? क्या कोई ऐसा है जिसकी लिस्ट बिल्कुल तुमसे पूरी तरह मैच करती हो? Probably not. जरूरी नहीं है. But many of you have similar answers. पर कई लोग होंगे जिनके कुछ कुछ आंसर तुमसे मिलते होंगे. How many like reading the same kind of books? कितने लोग हैं जो बिल्कुल एक जैसी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? How many different languages are spoken by the students in your class? जब क्लास में हो तो देखो कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने तरह की वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं. By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके हैं जिसमें हम अपने क्लासमेट से कई चीजों में मैच करते हैं, लाइक करते हैं और कई चीजें होती हैं जिसमें हम उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. मेकिंग फ्रेंड्स, अपने दोस्त बनाना. डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या लगता है आपको कि बहुत आसान होगा उन लोगों का अपना दोस्त बनाना जो आपसे बहुत डिफरेंट हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. अब ये स्टोरी पढ़ो और फिर सोचना कि क्या आसान है या मुश्किल. आई हैड मेंट इट एज अ जोक. मैंने जो है इसको जस्ट एक मजाक की तरह लिया था. अ जोक मेड अप ऑफ फ्रॉम अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन. एक ऐसा मजाक एक छोटे गरीब लड़के के लिए जो न्यूज़पेपर बेचता था जनपद क्रॉसिंग पे जहाँ बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक रहता है. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर. जब भी मेरी साइकिल उसके पास से गुजरती वो हमेशा पीछे पीछे दौड़कर मेरे पीछे आता और उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर होते थे एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स. और वो क्या करता था, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जो भी शाम की खबरें होती थी उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर करके जोर जोर से हेडलाइंस बोलता रहता था. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन. अब मैंने क्या किया, इस बार जब वो चिल्ला रहा था तो मैंने जो है अपनी साइकिल को एक किनारे लगाया फुटपाथ पर और उससे बोला मेरे को हिंदी अखबार दे दो. उसका बेचारे का मुंह खुला रह गया. यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड. उन्होंने बोला आपको हिंदी अखबार चाहिए, आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर. मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं और मैंने उसको जो है पेपर के पैसे दे दिए. व्हाई व्हाट डू यू थिंक, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? ही पॉज्ड. वो चुप हो गया. बट यू लुक सो
सो अंग्रेज ही सेड, अच्छा आपको हिंदी आती है पर आप देखने से तो बिल्कुल अंग्रेज लगते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, मतलब क्या है कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। हाँ हाँ क्यों नहीं पढ़ सकता? और मैंने जब उससे ये बात कही तो मैं थोड़ा सा, अब मेरी पेशेंस छूट रही थी। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी वो सब्जेक्ट है जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था। सब्जेक्ट्स ही आज, सब्जेक्ट विषय, उसने पूछा। हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, मैं उसे कैसे बता सकता हूँ कि ये विषय क्या होता है जो कभी स्कूल गया ही नहीं। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन, फिर मैंने कहना शुरू किया ये विषय वो होता है। बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू अ हंड्रेड फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। पर मैं जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था तभी से ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन हो गई और पीछे वालों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और मुझे भी उतने इतने बड़े ट्रैफिक के पीछे पीछे खुद भी आगे बढ़ना पड़ गया और मैं उससे बात नहीं कर पाया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो फिर वहाँ था। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, वो मेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में हिंदी का पेपर था। भैया ही सेड आपका अखबार, उसने बोला भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर उसने जो है उनसे पूछा कि ये बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, अब ये जो सब्जेक्ट उसने वर्ड बोला वो थोड़ा उसके मुंह से सुनने से अजीब सा लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, और जब वो ये बोल रहा था कि सब्जेक्ट तो उसके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे ये इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब ऐसा है कि जैसे कोई और हम पर राज्य कर रहा है। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड, अरे ये कुछ नहीं है ये पढ़ने की चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जिससे पढ़ाई की जाती है, मैंने उससे कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, अब जब मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है अभी वो रेड है तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर ही आंसर्ड, उसने कहा नहीं कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, अब उसने फिर जो है खूब अपने मतलब अपने को उसने बताया कि देखो मैं जो हूँ, कितने प्राउडली उसने बोला कि मैं जो हूँ तब से काम कर रहा हूँ जब मैं बड़ा हो गया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और उसने जो है अपनी नापा कैसे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, उसने मेरी साइकिल सीट की हाइट के बराबर अपने नाप के बोला। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी पर अब मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ कहाँ है, आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ, पर तभी फिर हरा सिग्नल हो गया और मेरे को जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज इन मेरठ विद, पर जब मैं जा रहा था तो पीछे से मुझे उसके चिल्लाते हुए वर्ड सुनाई दिए कि वो जो है मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट, और फिर उसने क्या बोला वो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया।